आपकी गाड़ी का EGR घर पे ही कैसे साफ करें, आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। हम जिस कैटेगरी की बात करेंगे वाहनों की, वो है कमर्शियल, मतलब आपके बलैरो पिकअप से लेकर ट्रक, कैंटराइजर, 407, उस तरह की गाड़ियों के बारे में हम बात करेंगे। छोटी कार के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन छोटी कार्स में जो है EGR थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है खोलना। इनमें जो है बहुत आसानी से आप खोल सकते हैं घर पर ही, उसमें आपको मैकेनिक की सहायता लेनी होगी, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड होता है, उसको खोलना ही हार्ड होता है। तो हाँ, अब हम बात करेंगे इस कैटेगरी के वाहनों की। तो EGR वाल्व को खोलने के लिए सबसे पहले हमें ये वाला जो कनेक्टर है, जो ECM को जाता है या ECU को जाता है, उसको खोलना होगा। ये कनेक्टर आप ऐसे खोल लेंगे। इसके बाद ये आपका वैक्यूम पाइप है, जहां से वैक्यूम आता है उसको पकड़ के खींच दीजिए। ये आपके कनेक्शन दो आपके खुल चुके हैं। और जब भी आप EGR को खोलने जा रहे हैं, तो आप एक बात का ध्यान रखें कि इस तरह की चाबी से अगर आप चाहते हैं कि आपका EGR वाल्व खुल जाएगा, तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना। तो इस पे आप देख रहे हैं ये गीला गीला दिख रहा है, एक तो मैंने इस पे WD-40 मार के छोड़ा था, और दूसरा ये कि इस पे अगर आप इससे खोलने की कोशिश करेंगे तो इसके जो ये सेरेसन है, ये जो हेड है, उसको आप राउंड कर देंगे, फिर वो आपके दूसरे साइड से, दूसरे स्पैनर से भी नहीं खुलेगा। इसके लिए या तो आप 10 mm की इस तरह की एक गोटी ले लें, या फिर आप इस तरह का जो रिंग स्पैनर होता है हमारे पास, उस वाला रिंग स्पैनर को आप लगा के और यहाँ पे खोल सकते हैं। तो EGR को खोलने के लिए आपको दो बोल्ट, ये और एक ये, दो तो आपको ये वाले खोलने पड़ेंगे। तो इसको खोलने के लिए हमको इधर से एक ये वाला नट खोलना है यहाँ पे, और एक इसके नीचे, इसको मैं खोल चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो इनको खोलने का सही तरीका यही है कि पहले आप एक का टॉर्क तोड़िए और फिर आप दूसरे को खोलिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक पूरा लूज कर लिया और दूसरे को आपने बिल्कुल ढीला भी नहीं किया। तो पहले थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा इसको खोलिए, थोड़ा सा इसको खोलिए, जब ये खुलना शुरू हो जाए उसके बाद फिर आप अलग अलग करके इनको खोल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इंटेक की साइड में कितने इस पे कलश आया हुआ है, ये कार्बन आया हुआ है। देखिए, ये है आपका एग्जॉस्ट की साइड में, ये अभी आप देख पा रहे होंगे इसकी हालत। इधर से भी देखिए कार्बन आपको दिख रहा है। और ये है आपकी EGR वाल्व। अब हम देखेंगे कि ये प्रेस हो रही है कि नहीं। पूरी तरह से चोक है ये, कहाँ मोटर के सेक्शन से इसको ऑन होना चाहिए, कहाँ ये दबाने से भी ऑन नहीं हो रही है। इसको हम साफ करेंगे WD-40 और डीजल की सहायता से, मैं इसको साफ करने वाला हूँ। तो इस पे हमने WD-40 मार के छोड़ दिया है, तब तक हम CSD की सहायता से और डीजल की सहायता से इस होज को, इस पाइप को हम साफ करेंगे। आपने इसको साफ कर लिया है, तो अब इसका मूवमेंट आप क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, तो इसकी देखिए हमारी सफाई लगभग पूरी हो चुकी है। ये पूरा चमक गया है सरफेस, और ये प्लंजर भी पूरा, और यहां से पूरा मैंने कार्बन निकाल दिया है। ऊपर वाली जो यूनिट है ये इसका स्प्रिंग है, और यहाँ पे ये वैक्यूम काम करता है, ये ऊपर इसका सेंसर है, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसको भी मैंने साफ कर लिया है, इस पूरी यूनिट को। तो ये है इसकी सील, इसको भी मैं डीजल या WD-40 मार के इस पे जो कार्बन जमा है उसको भी मैं छुटा लेता हूँ। तो इसका फिट करने का तरीका देखेंगे। देखिए ये साफ हो चुका है, इसके ऊपर हम
ये वाली इसकी सील लगाएंगे। इन बोल्ट पे मैं थोड़ा सा WD-40 लगाऊंगा, जिस पोजीशन में ये फिट था सेम उसी पोजीशन में मैं इसको एंगेज कर दूंगा। और फिट करने का तरीका किसी भी आप होज कह लो या पाइप कह लो या किसी भी चीज का ये है कि पहले आप इसको एंगेज कर लो, पूरा टाइट मत करो। जैसे देखिए मैंने पहले ये वाला टाइट एंगेज किया, इसको पूरा टाइट नहीं किया, मैंने जानबूझकर ढीला छोड़ा है। फिर आप दूसरे वाला एंगेज करो, आप कभी भी ऐसा मत करो कि एक वाला एंगेज पूरा टाइट कर दिया, हैंड टाइट कर दिया, मैंने उसको थोड़ा एंगेज करके छोड़ो, फिर दूसरा एंगेज करो, तीसरा एंगेज करो, चार है तो चार एंगेज करो, फिर आप उनको हैंड टाइट करो। मैं दोनों को हैंड टाइट करूंगा, फिर इनको आप टाइट कर सकते हैं टाइट नहीं, एक ही तरह की तरह ये होता है सही तरीका। तो इसको मैंने टाइट कर दिया। अब बात करते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातों की। मेरे चैनल पे आप आए और आपको छोटी छोटी मगर मोटी बातें ना मिले तो ये तो सही नहीं है। तो जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं एग्जॉस्ट EGR वाले में, तो उसमें ये है कि जब ये देखिए, ये आप एक कट वाला वाइसर देख रहे होंगे, तो ये कट एक्चुअल में थोड़ा सा एक लेग इसकी इधर होती है और एक इधर होती है, ये इसको हम स्प्रिंग वाइसर बोलते हैं। और इसका खास पर्पज होता है, इसको आप ऐसा ना करें कि बिना स्प्रिंग वाइसर के आप वहां पे फिट कर दे, या फिर कई बार ऐसा करते हैं कि नॉर्मल वाइसर वहां पे लगा देते हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना है। ये स्प्रिंग वाशर ही आपने लगाना है नट के साथ में, क्योंकि इसकी खास आदत एक ये, इसको लॉकिंग वाशर भी बोला जाता है। ये जब नट इस पे आप टाइट कर दोगे तो जो ये थोड़ा सा साइड वाइज है, साइड वाइज ना होके बल्कि बैठ जाएगा बीच में, और ये उसको खींचने का काम करेगा आपके इस नट को। तो यही इसमें चीज ध्यान रखने वाली है। दूसरी बात इसमें ये है कि ये देखिए बोल्ट पे व्हाइट व्हाइट क्या लगा है, ये किसी तरह का कार्बन नहीं है, ये खास कंपाउंड होता है। ये इसलिए लगा है क्योंकि ये कंपनी में ही फिट हुआ था, उसके बाद ये किसी ने खोला नहीं है, तो इसलिए इस पे लगा हुआ है। ये आप ध्यान से देखिए व्हाइट व्हाइट जो आपको दिख रहा है इस पे, सफेद सफेद, ये खास कंपाउंड होता है। इस कंपाउंड का काम ये होता है कि यहां से ये जो गैस अगर आपकी लीक होती है तो गैस लीक होने को रोकता है। तो परफेक्शन के लिए अगर आप परफेक्शन चाहते हैं, मैन्युफैक्चरर की तरह काम करना चाहते हैं, एक अच्छा स्किल बनना चाहते हैं, तो आपको अपने पास में इसके रिप्लेसमेंट में ये सेम कंपाउंड तो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल एनाबोंड करके एक आती है, वो आपको यहाँ पे लगानी चाहिए इसके थ्रेड के ऊपर, और फिर आपको इसको टाइट करना चाहिए। तो ये थी आज की छोटी छोटी मगर मोटी बात। और यहाँ पे भी जितना आप बाहर से साफ कर सकते हैं दोनों साइड से, वहां से आप इसको साफ कर दीजिए। तो फिट करने के लिए पहले आप इनको थोड़ा लूज छोड़ ले इन बोल्ट को, और इसको एक बार लगा के देख ले कि ये सही बैठ रहा है कि नहीं, ताकि थोड़ा बहुत आपको घुमाना पड़े तो आप घुमा सके, और जहां पे ये सही बैठ रहा है वहीं पे इनको टाइट कर दे। तो पहले मैं नीचे एग्जॉस्ट के साइड वाले इंगेज कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे एक्सेस थोड़ा सा कम है। एक मैंने इंगेज कर दिया है, अब मैं ये दूसरे वाला इंगेज करूंगा, फिर मैं ऊपर की साइड वाले इधर से इंगेज करूंगा। अब बात आती है ऊपर इंटेक साइड की, तो उससे पहले हम एक सील लगाना नहीं भूलेंगे। तो इसका फिट करने का हमारा जो कार्य है वो पूरा हो चुका है। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, और ध्यान रखें कि एक यहाँ पे आपको सिम डालनी है या सील डालनी है गैसकेट में कुछ कह ले उसको, और एक यहाँ पे आपने डालनी है और तीसरी यहाँ पे, तीनों गैसकेट आपकी डली होनी चाहिए। फुल्ली आपको इसको टाइट करना है। इसके बाद हम इसमें देना है ये वैक्यूम वाला जो आता है पाइप का कनेक्शन, वो देना है आपको। वैक्यूम वाले के बाद आपको देना है आपका जो ये सेंसिंग के लिए आपका दिया हुआ है कनेक्शन उसका। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।